Good morning, children. Good morning, children. Chup. Hello, friends. मैं नाम अंकित मिश्रा और आज ऑनलाइन टीचिंग में जो आपके सामने सब्जेक्ट है वो है स्टेम सेल के बारे में. दोस्तों, स्टेम सेल के बारे में आप तो जानते ही होंगे कि स्टेम सेल्स हमारे शरीर के बहुत ढेर सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं. तो अगर मैं स्टेम सेल्स की बात करूँ तो स्टेम सेल्स थियरी दी गई थी जिसके अंतर्गत बताया गया कि स्टेम एक ऐसी सेल होती है स्टेम सेल्स जिनसे हमारे बॉडी के कई पार्ट्स बन सकते हैं इस सेल्स के द्वारा. और ये बहुत ही स्पेशलाइज सेल्स होती है जिसके द्वारा हम सेल्स किसी भी बॉडी पार्ट्स को बना सकते हैं. तीन चीज़ होती हैं आपको दिखाई दे रही है, एक नॉर्मल सेल जैसा साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, लेकिन ये बहुत ही स्पेशल जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि एक स्टेम सेल से हमारा एक स्पेशलाइज सेल्स न्यूरॉन बना. मतलब इनकी जो ऑरिजिन है वो वैसी की वैसी बनी रहेगी, वो स्टेम सेल्स बनी रहेगी, लेकिन जो एक नई सेल बनेगी वो आपकी स्पेशलाइज सेल्स या न्यूरॉन सेल्स आपको बनाती हुई दिखती रही हैं. इफ स्टेम सेल्स कुड पोटेंशियली क्योर मैनी डिजीज, मतलब हम स्टेम सेल्स का यूज बहुत सारे डिजीज को सही करने में यूज कर सकते हैं. तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं, अगर स्टेम सेल के बारे में बनाए तो सबसे पहले हमें स्टार्टिंग देखना पड़ेगा कि फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है हमारा. सबसे पहले फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट बनकर के तैयार हुआ, आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर, और फिर उसके बाद वो टू सेल स्टेज में डिवाइड हुए, मतलब जायगोट का डिवीजन हुआ, और उसके बाद उनके फोर सेल हुए, फिर 16, एंड फिर आफ्टर ऑल दैट वो प्री ब्लास्टोसिस बनाने में कामयाब होते हैं. तो ऐसा आपको दिख रहा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मेनी सेल डिवाइड, लेट अ ग्रेट डील ऑफ रिकॉग्निशन, इट इज नाउ हॉलो स्ट्रक्चर, और इनके बीच में एक ब्लास्टोसिस्ट बन करके तैयार हो जाता है, एक ब्लास्टोसील जिसे आप बोलते हो वो बन करके तैयार होता है. रोल ओवर द पार्ट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट ऑफ मेनी, अब इसके अंदर मौजूद आपकी जितनी भी सेल्स हैं वो सारी की सारी सेल्स बिहेव लाइक या स्टेम सेल ही होती है. अब इसके बाद इनमें लगातार और डिवीजन होता है, आपकी ब्लास्टोसील जिसे गैस्टुलेशन की स्टेज आती है, तो क्या होता है कि फॉलोइंग द ब्लास्टुला स्टेज द एम्ब्रियो अंडरगोस गैस्टुलेशन में आती है, तो ब्लास्टोसील बनते हैं, और जो लेयर्स होती है वो तीन लेयरों में डिवाइड हो जाते हैं. इज एंडोडर्म शो बाय रेड कलर, ये क्या आपको रेड कलर से दिखाई दे रही, ग्रीन कलर से आपकी मेसोडर्म, एंड आफ्टर ऑल दैट ब्लू कलर से आपको इक्टोडर्म दिखाई दे रही है. इक्टोडर्म गिव राइज द डाइजेस्टिव सिस्टम्स, मेसोडर्म स्केलेटन, स्केलेटन मसल, हार्ट एंड स्प्लीन, बोन मैरो. मेसोडर्म कंटेन्स द इक्टोडर्म, गिव राइज टू नर्वस सिस्टम, एपिडर्मिस एंड मेमोरी ग्लैंड. तो आपकी किस तरीके से सारी सेल्स फंक्शन कर रही उसके बारे में बताया गया है. एज द डेवलपमेंट कंटिन्यूज सेल्स बिकम मोर स्पेशलाइज, सेल माइग्रेशन एंड इंक्रीज सेल कॉम्प्लेक्सिटी सेट अप ऑफ द बॉडी प्लेन ऑफ एम्ब्रियो. तो अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से आपको पूरा जो आपका इक्टोडर्म है, तो क्या आपको मेमोरी ग्लैंड्स वगैरह बनाने में काम करेंगी, वो किस तरीके से बिल्कुल स्पेशलाइज तरीके से वो करके जिसके अंदर आपका बॉडी बेबी आपको बनना है वहाँ पे आकर के एम्नियोटिक फ्लूइड आपका बना हुआ है, प्लेसेंटा है, एम्ब्रियो है. अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये स्टेम सेल ने पहले तो बॉडी का शेप दिया उसके, और फिर लगातार स्टेम सेल्स इस ब्लू वाली लाइन जो आपको दिख रही है और गिवन जो कि डिफरेंशिएटेड सेल है, लगातार डेवलपमेंट उस बच्चे का हो रहा है स्टेम सेल्स के द्वारा. द प्लेसेंटा कॉल्ड बॉड एम्नियोटिक फ्लूइड कंटेन स्टेम सेल्स, एम्नियोटिक फ्लूइड वो क्या है, उसमें आपके स्टेम सेल्स मौजूद है जो कि लगातार उस बेबी का डेवलपमेंट करते हैं, उस बेबी के हर एक पार्ट को बनाने में यूजफुल रोल प्ले करते हैं. अगर हम एडल्ट स्टेम सेल्स की बात करें तो हमारे एडल्ट्स में भी कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे स्टेम सेल्स एग्जिस्ट करती हैं. ऑल्दो हर्ड ऑफ स्टेटेड दैट ह्यूमन हैव स्टेम सेल्स दैट एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ टिश्यू, रोल ओवर द ह्यूमन आउटसाइड टू सी वेयर स्टेम सेल्स कैन बी फाउंड. एज ह्यूमन डेवलपमेंट टेक्स प्लेस द अवेलेबल साइट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टेम as well as their characters genes, they are immortal in culture and are plentiful. हम देखते हैं कि सबसे पहले कि अगर बॉडी पोटेंशियल तो इसको आइसोलेट कर लेते हैं, अगर चाहो जो हमें स्टेम सेल्स दिखाई दे रही है, अगर हम उसे क्या करें, स्टेम सेल्स कैन बी इनर सेल मॉस कैन बी रिमूव फ्रॉम द ब्लास्टोसिस,
हमने देखा कि ब्लास्टोसिस्ट की जो सेल्स है एम्नियोटिक सेल्स, रिमूवल ऑफ इनर सेल्स मस्ट डिस्ट्रॉय एनी फ्यूचर डेवलपमेंट, और जैसे ही हम उसको निकाल देते हैं वहाँ से, हम देते हैं कि फ्यूचर में जो है वो चीज़ें अब डेवलपमेंट वहाँ के नहीं होती, क्योंकि वहाँ की सारी जो स्टेम सेल्स थी हमारी उसका हमने क्या कर दिया, रिमूवल कर दिया। अब उसी स्टेम सेल्स को हम ले जाएंगे और पेट्री डिश के अंदर ग्रो कराएंगे। Embryonic stem cells can grow, identify in culture and potentially can form any tissue types. ठीक है, उसे हम ले जाते हैं और उसे हम कल्चर कराते हैं। स्टेम सेल्स बिगिन टू स्पेशलाइज मोर एंड लूज द एबिलिटी टू बिकम एनी टिश्यू टाइप। ठीक है, तो जैसे हमने कहा देखिए यहाँ पे वो तुरंत अपने जितने भी इसके अंदर जैसे कि वो डिवाइड होना तुरंत स्टार्ट हो गया, लेकिन उन्हें उनके पास किसी तरीके का एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनाने की क्षमता इस वक्त नहीं थी। बस वो उसको हमने उसमें रखा और वो डिवाइड होकर के स्प्रेड हो गया। स्टेम सेल्स वर टॉरिपोटेंट नाउ आर प्लूरीपोटेंट। ठीक है, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल स्टिल हैव अ पोटेंशियल टू बिकम मेन बट नॉट ऑल टिश्यू टाइप्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या कहते हैं टॉटिपोटेंट सेल्स और प्लूरीपोटेंट सेल्स। इन फेटल टिश्यू स्टेम सेल्स कैन बी फाउंड इन प्लेसेंटा। फेटल टिश्यू के अंदर हम देखें तो जो आपकी स्टेम सेल्स है वो आपकी प्लेसेंटा में, ब्लड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक कॉर्ड एंड द एम्ब्रियोटिक फ्लूइड, इन सभी जगह पे एम्ब्रियोनिक कॉर्ड में एम्ब्रियन और आपके एम्ब्रियोटिक फ्लूइड में भी आपकी स्टेम सेल्स पाई जाती है। तो एडल्ट में आपको दिखा दिया किस किस जगह पे हैं, कुछ लिमिटेड जगह पे हैं। फेटल स्टेम सेल्स आर मोर सिमिलर टू एडल्ट देन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स सिंस दे हैव बिकम मोर स्पेशलाइज्ड। अगर एडल्ट की बात करें तो वो आपके मोर सिमिलर टू एडल्ट देन एम्ब्रियोनिक सेल्स सिंस दे हैव बिकम मोर स्पेशलाइज्ड दे कैन स्टिल गिव राइज टू मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स स्पेशली ब्लड सेल्स। ठीक है, तो फेटल सेल्स जो हैं आर मोर सिमिलर, फेटल सेल्स होती हैं हमारी मोर सिमिलर होती हैं स्टेम सेल्स के। दे आर कॉन्वेंसली फाउंड इन टिश्यू दैट आर नेचुरल बाई प्रोडक्ट ऑफ चाइल्ड बर्थ। ठीक है, तो प्लूरीपोटेंट एंड मल्टीपोटेंट इजी टू आइसोलेट मोस्टली बाई ब्लड सेल्स, फीटस आपको दिखाई दे रही है। व्हाइल एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आर कैपेबल, एडल्ट स्टेम सेल्स आर ऑर्गेन स्पेसिफिक, हैव लिमिटेड लाइफ स्पैन एंड आर हार्डर टू आइसोलेट। इसकी बात ये करते हैं एडल्ट में। स्टेम सेल्स मे बी यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ वेराइटी ऑफ डिजीजेस। ठीक, अब किस तरीके से स्टेम सेल्स हमारी डिजीजेस में कार्य करती है, इसके लिए इन्होंने सबसे पहले जो डिजीज लिया वो लिया है आपका पार्किंसन डिजीज को, शायद ये लेंगे कि ल्यूकेमिया को लें, पार्किंसन डिजीज को देखते हैं ये। फॉर एग्जाम्पल पार्किंसन डिजीज इज अ कॉमन डिसऑर्डर कॉज बाई डिजनरेशन ऑफ डोपामिन प्रोड्यूशन न्यूरॉन्स। मतलब आपकी जो डोपामिन्स होती है, डोपामिन्स जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो क्या होते हैं, अगर उनको वहाँ से डिजनरेट हो गए हैं तो उससे न्यूरॉन्स एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स को मैसेजेस नहीं सेंड कर पाता, जिसके कारण ये डिजीज आपको दिखाई देती है पार्किंसन की डिजीज। तो यहाँ पे देखते हैं पार्किंसन हमारे एक वैज्ञानिक थे, उनके बेसिस पे था। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जिस रीजन में सिनेप्सिस वाला जो रीजन होता है वहाँ पे आपके जो डोपामिन्स होते हैं वो अपने रिसेप्टर्स जा करके बाइंड नहीं करते हैं। अब जिन दोस्तों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस को सेल सिग्नलिंग के वीडियोस को नहीं देखते हैं वो जा करके वहाँ पे वीडियो को देखेंगे तो उन्हें शायद ये रिसेप्टर और ये सारी चीज़ समझ में आ सके। बिकॉज वी नो दैट सेल टाइप्स हैव अफेक्टेड द स्पेसिफिक प्रॉब्लम टू पार्किंसन डिजीज, साइंटिस्ट आर होपफुल दैट इट मे बी वन ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुली यूज्ड स्टेम सेल थेरेपी और ट्रीटमेंट। तो कुछ वैज्ञानिकों ने इस पर अपने रिसर्च किए हैं तो उन्हें कुछ रिजल्ट्स देखने को मिले। तो क्या हुआ, यूजिंग टू द राइट स्टेम सेल्स साइंटिस्ट आर नाउ लर्निंग हाउ टू मेक एम्ब्रियोनिक सेल्स बिकम न्यूरॉन्स दैट आर सिमिलर टू डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स। अब उन्होंने देखा कि ऐसे उन्होंने न्यूरॉन्स को सबसे पहले एक स्वस्थ सा न्यूरॉन लिया जो कि अच्छा है, बिल्कुल हेल्दी है, वहाँ से उसने उन्होंने न्यूरॉन्स को लिया और एक पेट्री डिश के अंदर उन्होंने उसको कल्चर कराया। जब उन्होंने उसको कल्चर कराया तो यूजिंग सम स्टेम सेल्स और उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि कुछ स्टेम सेल्स को डाल दिया उनके अंदर, तो उन्होंने देखा कि आपकी कुछ ऐसे न्यूरॉन सेल्स बन करके तैयार हुए जो कि आपके डोपामिन सिक्रीट कर रहे हो, डोपामिन प्रोड्यूस कर रहे हो। तो जितनी भी आपकी एंटीबॉडीज हैं फ्यू ट्रिक्स टू से और दैट ह्यूमन इम्यून सिस्टम डज नॉट अटैक दीज फॉरन न्यूरॉन्स एंड रिजेक्ट टू द न्यू सेल्स फ्रॉम द ब्रेन। तो आपकी जिन्होंने देखा कि हमारे जो सेल्स हैं हमारी जो एंटीबॉडीज है वो इन इस तरीके के न्यूरॉन पे कोई भी अटैक नहीं कर रहे हैं कुछ।
अगर कुछ न्यूरॉन सेल्स हमारी जो मौजूद हैं हमारे ब्रेन के अंदर, अगर उन्हें एक सही लोकेशन पर ट्रांसप्लांट नहीं किया गया तो वो हमारी बॉडी पे गलत इफेक्ट डाल सकती है। मतलब कहने का ये है कि उनको उसी जगह पे आपको डालना पड़ेगा, उसी जगह पे चाहे जहाँ के भी स्टेम सेल्स हों वहीं पर उसे ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो जा करके आपके किसी भी अंग में, किसी भी ऑर्गेन्स में ट्यूमर कॉज कर सकता है, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा harmful होगा। दिस प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू सॉल्व राइट नाउ सिंस स्टेम्स एंड नेचुरली वांट्स टू डिवाइड एंड दे आर बीइंग प्लेस्ड इन न्यू एनवायरनमेंट इन द बॉडी आफ्टर लीविंग इन आर्टिफिशियली लैब कंडीशंस। तो अब ऐसा संभव नहीं है, ऐसा हो सकता है स्टेम सेल्स के द्वारा हम ट्रांसप्लांट को अच्छी तरह से कर सकते हैं। स्टेम सेल्स कैन बी अनप्रेडिक्टेबल आफ्टर द ट्रांसप्लांट, और अगर स्टेम सेल्स एक बार आपका फंक्शन कर गया तो फिर ये बहुत ही नेचुरल होते हैं, और धीरे धीरे ये ट्रांसप्लांट न्यूरॉन्स आपके जो डैमेजेस न्यूरॉन्स होते हैं वो उनके बीच भी मैसेज को सिक्रीट करते हैं डोपामीन के द्वारा, और धीरे धीरे उन डैमेजेस जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं उनको भी क्या करते हैं कि वो धीरे धीरे उनके अंदर भी डोपामीन का संचार करके उसे सही कर देते हैं, और वो सारी जो आपकी खराब हुई न्यूरॉन सेल्स रहती हैं वो भी आपके एक्टिवेट हो जाती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम आज देखे आपके वीडियोस में कि किस तरीके से स्टेम सेल्स अपना फंक्शन करती हैं। तो प्लीज़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इन डिजीज़ के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए मैं आगे आपके लिए और भी वीडियोस लेके आऊँगा, लेकिन आप उसके पहले आप जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक बात और, हमारे पास एक दो टर्म्स थे, टॉटिपोटेंट सेल और प्लूरीपोटेंट सेल्स। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस हमारे कुछ इसी टॉपिक्स पे होंगे। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, गुड नाइट। हमारे ब्रेन के अंदर अगर उन्हें एक सही लोकेशन पर ट्रांसप्लांट नहीं किया गया तो फिर ये बहुत ही नेचुरल होते हैं, और धीरे धीरे ये ट्रांसप्लांट न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से हम आज देखे आपके वीडियोस में कि किस तरीके से स्टेम सेल्स अपना फंक्शन करती हैं। तो प्लीज़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इन डिजीज़ के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए। तो हमने देखा कि ब्लास्टोसिस्ट की जो